राम राम भैया। राम राम राम, राम। कर रहे तुम हम खेत में चना देख रहे हैं। चना कौन सा आया तुमने हमने ये चना बोया ये देसी काट, काटा वाला चना तुमने देसी काटा वाला चना क्यों बोया जमीन हमारे पास अच्छी है वो पान, वो पानी की व्यवस्था नहीं है तो हमने काटा वाला चना बोई दिया और काटा वाला चना हमारा दाल में काम दे दे और बेसन में भी काम दे दे देसी चना की जानकारी हमको पूरी, हाँ पूरी हम जान तो तुम ये एक बीघा में चना कितना बो तुम हम एक बीघा में बीस ऐसी पच्चीस किलो दा चना हम तो ये देसी काटाला चना में पानी दोगे नहीं तुम पानी जैसे बारिश की ज्यादा नमी रहे तो नहीं देवा हम तो पानी जो हल्की मिट्टी रे तो हमारा खेत में तो हम पानी अगर हो तो फूल की पेला अपन पानी दे सकता तो अपना ये सुकत में अगर बोनी करो तो अपना कन पानी हो तो ये फूल के पेला पानी दे सकता अपन एक फूल आने का पहला पानी क्यों दे ये फूल पे पानी हम दांतो तो फूल खरी जाए मतलब ये फूल के पहला पानी अगर हम दा तो अच्छो फल अच्छो लगे या देसी काटा वाला चना मतलब ना कब तक तैयार हो जाएगा तीन महीना में पकिन तैयार हो जाए ये चना हमारा एक बीघा में ये चना पकी जाए तो कितना निकला एक बीघा में दो ढाई कुंटल पकी जाए चना तो काटे वाला चना सावधानी रखना पड़ेगा हाँ सावधानी रखना पड़े ये, ये थोड़ा बारिश की फसल काटे न जल्दी बोई देना तो सावधानी है तो ये देसी काटाला चना बोना से तुमका क्या फायदा ये दाल में भी काम आई जाए न बेसन में भी काम आई जाए न फिर ये बारिश की नमी में बोधा तो ये पानी भी नहीं देना पड़ा एक में देसी चना है हमारा हल्की मिट्टी में भी आई जाए और काली मिट्टी में भी आई जाए किसान भाई बहन के संदेश देगा हाँ तुम्हारा संदेश है कि अच्छी जमीन में सुखत में बोई सकता अगर हल्की जमीन रहती तो फूल से पहला हमारे एक पानी देना पड़ता धन्यवाद जो तुमने इतनी अच्छी जानकारी दी देसी वाला चना की धन्यवाद हाँ, द... धन्यवाद